स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पेपर पे कटिंग करेंगे, वन स्टेप्स ब्लाउज की कटिंग करना। आप भी कोशिश करिएगा कि पहले पेपर पे कटिंग हो, उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कटिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ है 13, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिच तुलपाई या फोल्डिंग करने के लिए, और इसका शोल्डर है, लेंथ है हमारी 13, शोल्डर है हमारा 13 का आधा 6.5, और उसमें 1 इंच कम कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि गला डीप जाएगा, जो बैक पार्ट होगा उसका गला डीप जाएगा। मैं बैक पार्ट नहीं बता रही हूँ फिलहाल, फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। बैक पार्ट सेम कटेगा जैसा ब्लाउज में कटता है, और शोल्डर लाइन कोई फिक्स नहीं होती है, सॉरी आर्मोल लाइन कोई फिक्स नहीं होती है, इसलिए मैं आर्मोल जो लेंथ है उसको 5.5 पे ड्रॉ कर देती हूँ, उसको आप घटा या बढ़ा सकते हो। वही फ्रंट प्रोसेस 11.5, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है मैं उसको ले रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर दीजिए। फ्रंट क्रॉस 11.5 और बैक क्रॉस 14, उसका आधा 7, और इन पॉइंटों को मिला करके हम इसका आर्म होल राउंड मेजर करेंगे। अपर ब्रेस्ट है हमारी 32, 32 का चौथा 8, और उसमें 1/2 इंच लूजिंग। लूजिंग आप अपने फैब्रिक के अनुसार डाल सकते हो, मैं 1/2 इंच की लूजिंग डाल रही हूँ। इसके बाद हम आर्म होल राउंड की शेप देंगे। और फिर आर्म होल राउंड मेजर करेंगे। आर्म होल है हमारा 17, तो 17 का आधा 8.5, और उसमें 1/4 इंच लूजिंग पड़ेगी। और जो लेंथ थी हमारी वो 13 इंच पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन तुलपाई के लिए। और उसके बाद जो मेन ब्रेस्ट है हमारा, बस्ट पॉइंट 8.5 पे है, तो 9 पे मैं मार्क कर रही हूँ, और मेन ब्रेस्ट है हमारे 34, 34 का चौथा 8.5 प्लस 1/2 इंच लूजिंग 9 इंच, और कमर है हमारी 28, 28 का चौथा 7, और उसमें 2 इंच डट के लिए जो हम डट डालेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब इसमें मेन चीज है वन स्ट्रैप, यानी जो स्ट्रैप आएगी वो एक सिंगल आएगी। इसके लिए हम जो नेक डेप्थ है वो ले रहे हैं 3 इंच पे, और जो डेप्थ है फ्रंट नेक की वो है 7 इंच पे। ये हमने जो नेक डेप्थ है वो ले ली है। अब हमें वन स्टेप बनाना है, तो वन स्टेप बनाने के लिए हम जो हमारा आर्म होल राउंड है वहां से हम इसका जो स्टेप है उसे आउट, जो फ्रंट पार्ट है उसे कट कर देंगे। या फिर इसे हल्का सा राउंड शेप देंगे, राउंड शेप इसलिए देंगे जिससे हल्की सी शेप सही जाए। ये जिप वाला बनेगा, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं वहाँ कट कर देते हैं।
ये हमारा वन स्ट्रेप्स ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसमें वी शेप डालना चाहोगे तो आप वी शेप में ऐसा डाल सकते हो। मैंने इसमें राउंड शेप डाल रखा है इसलिए इसकी जो नेक लाइन है वो राउंड शेप में आएगी। इस तरीके से हम वन स्ट्रेप्स को कट कर देंगे और डट जो डट पड़ेगी वो सिंपल पड़ेगी ब्लाउज के हिसाब से, जैसे ब्लाउज में डट पड़ती हैं। मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, 3.5 पे जो सेंटर डट होती है वो सेंटर डट डाल रही हूँ, और बस्ट पॉइंट जहाँ हमारा बस्ट पॉइंट है 8.5 पे आधा इंच डाल करके 9 इंच पे इसकी दूरी आप अपने ब्रेस्ट जो उभार होता है उसके हिसाब से डाल सकते हो। मैं लगभग लगभग 1.5 इंच की दूरी ले रही हूँ बीच सारी प्लेटों के बीच में। जो प्लेटें पड़ती हैं उसमें फिक्स नहीं होता कि बिल्कुल फिक्स हिसाब से आप प्लेटें डालोगे, आप अपने वक्ष उभार के हिसाब से प्लेटें डाल सकते हो, जो आपका मेजरमेंट है उसके हिसाब से डाल सकते हो।